कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उज्जैन पहुंचे। उन्होंने काल भैरव मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। अवंतिका नगरी में रात्रि विश्राम करने के साथ ही वे बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर डीके शिवकुमार ने विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और आगामी वक्त में कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। डीके शिवकुमार पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है डीके शिवकुमार। हिंदुत्व को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, कहा भाजपा की बपौती नहीं है हिंदुत्व। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार रात उज्जैन पहुंचे। वे सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, यहां दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं उसके बाद सुबह बाबा महाकाल की होने वाली नियमित भस्म आरती में डीके शिवकुमार शामिल हुए और विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। एक्सचेंज कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदुत्व मंदिर और भगवान बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सभी धर्म के लोग यह चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके धर्म में हस्तक्षेप ना करे। हिंदुत्व और टेंपल और गॉड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हिंदुत्व इज ए आवर टेंपल्स आर फॉर एवरीवन। There is not any BJP's personal property. We all believe in every section of the society, every culture of the society, every language of this country, and every religion. Every religion has their own faith. We don't want to interfere with their any religion. So as such, we all are here. Everyone, we go to Mahakaleshwara, we go to Kalabhaireshwara. So it is not the BJP's pride. I was told at the development, whatever we had in Mahakaleshwara, I think the idols itself has fell off. That indicates the message is not right. So whether compromise or not, it is not my position or any other's position. It is the position of the people's will is important. What we have promised, we have to deliver. What confidence they restored on me and my party is very much important. Ultimately, we have to go by the decision of the party high command. That is our culture. अपने बयानों में डीके शिवकुमार ने मध्य प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जनता के मन में परिवर्तन की बात होने का दावा भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।